श्री गौरव सिंह जी और अभय भटियाई जी और तमाम अन्य प्रधानगण की तरफ से श्री गिरीश शुक्ला जी स्वागत करें, श्री दयाशंकर यादव सदस्य राष्ट्रीय परिषद जी से निवेदन है कि माननीय महोदय जी का कुछ लेकर के श्री गोविंद दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, लेकिन वहां पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह करिश्माई काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं वोट की अपील करने आया हूं। एक से एक करिश्माई काम है, गैस सिलेंडर गरीब माताओं बहनों के यहां पहुंचा है कि नहीं? गैस सिलेंडर पहुंचा, कुछ कार्य पहुंचा है कुछ नहीं? हर बार 100% नहीं, प्रैक्टिकल बहुत जाए। और मेरी बात अब सुन लो, आगे सरकार हमारी बन जाती है, होली और दीपावली पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। चाहे किसी पार्टी आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है तो व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए बहनों भाइयों, तभी लोकतंत्र की सेहत की जाए। लेकिन राजीव गांधी ईमानदारी से राजीव गांधी जी ने इसको स्वीकार किया, सबसे बड़ी बात लाचारी व्यक्ति, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्ति नहीं की, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया। प्रधानमंत्री बनते ही मैं भाई उनके साथ गृह मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा था और उस बैठक में मैं स्वयं मौजूद था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सबके खाते खोल दिए। मुझे खुशी हो रही है माताएं बहनें हर चीज समझ रही, और खाते खोल लीजिए, यदि आज 6,000 रुपया दिल्ली से चलता है तो 6,000 का 6,000 आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है, रोकना है भ्रष्टाचार, भाषण देकर भ्रष्टाचार नहीं होगा, जा सकता भेदभाव नहीं पैदा किया अदालत का फैसला। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग भेदभाव करते हैं, समाज को बांट कर, कुनबों को बांट कर राजनीति करने का नाम ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टियां करती हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। काशी विश्वनाथ मंदिर विदेशी आताधारियों ने बनारस का भावा विश्व टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को मिलेगा। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन जानते होंगे, यह सब हम लोगों ने सोचा है। बहनों भाइयों, हमारा देश मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है।